वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 5 साल पुराने एक मामले में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको कुछ चेहरों से आपका परिचय करवाना चाहता हूं। एनसीपी के नवाब मलिक, एनसीपी के ही अनिल देशमुख, दोनों शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस सरकार में मंत्री। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी, शिवसेना के नेता अनिल परब और प्रताप सरनाइक। इन तमाम में समानताएं क्या हैं? इन तमाम में समानताएं ये हैं कि ये लोग उस पार्टी से हैं जो विपक्ष में है, यानी कि भाजपा के विपक्ष में। ये लोग उस राज्य से हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से सत्ता में आना चाहती है। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने इन सबको या तो गिरफ्तार किया है या इन पर केस किया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज जब मैं आपके सामने सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े मामले की बारीकियां पेश कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेगुनाह है, मगर मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश का इंचार्ज बनाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल पुराने एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय अब जाकर गिरफ्तारी करती है, क्या इसका नाता हिमाचल प्रदेश चुनावों से है? इसको लेकर भी दो थ्योरीज हैं दोस्तों। पहली थ्योरी यह है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जो मुख्य विपक्षी पार्टी वो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कद बढ़ाना चाहती है इस तरह की गिरफ्तारियों से। यानी कि कहने को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी है जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज हैं, मगर असल निशाना कांग्रेस पर है। अब दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है, बीच में कई साल ईडी ने बुलाना बंद भी कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला था। अब फिर शुरू कर दिया गया है क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन को आज गिरफ्तार किया गया ताकि वो हिमाचल ना जा सकें। वे कुछ दिनों में छूट जाएंगे क्योंकि केस बिल्कुल फर्जी है। यही बात पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कह रहे हैं। संजय सिंह का तो यह कहना है कि इन्होंने हमारे करीब 34 विधायकों को अनाप शनाप मामलों में गिरफ्तार किया, और यह हकीकत भी है क्योंकि एक दिल्ली की अदालत ने बाकायदा दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई थी कि आपने आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ जो केसेस किए हुए हैं उसको लेकर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। नतीजा ये होता है कि अधिकतर लोग बेल पर रिहा हो जाते हैं और दिल्ली पुलिस के पास कोई मामला नहीं बनता। इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया है इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलने के लिए। अब सत्येंद्र जैन पर क्या क्या मामले बनते हैं, सीबीआई क्या क्या मामले बना रही है कुछ देर बाद, मगर सुनिए संजय सिंह ने जो करारा हमला बोला है भाजपा सरकार पर। 8 साल से आप जांच कर रहे हैं, 7 बार आप बुला चुके हैं, 7 बार पेशी करा चुके हैं, आपको कभी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं महसूस हुई। आज आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो गिरफ्तार करेंगे। ये जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? और मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, 34 से ज्यादा एमएलए को फर्जी मामलों में दिल्ली में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया जिनको बाद में कोर्ट ने बरी किया, और एक एक मामले अगर आप पढ़ेंगे तो लताड़ लगाई है दिल्ली पुलिस को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली को। तो आप कठपुतलियों के जरिए अपना खिलवाड़ कर सकते हैं, करिए खिलवाड़, लेकिन चुनाव आप हारेंगे हिमाचल में, जनता देख रही है आपको। दोस्तों, जहां तक सत्येंद्र जैन की बात है, उनके गिरफ्तारी की नींव कहीं ना कहीं पिछले महीने से रखी जा रही थी।
मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 4.81 करोड़ रुपए कुर्क की गई थी संपत्ति 4 या 5 कंपनियों की, और ये 4 या 5 कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनका परिवार या तो शेयर होल्डर है या किसी तरह का मालिकाना हक है। अब वो कौन सी कंपनियां हैं जिनकी 4.81 करोड़ की संपत्ति पिछले महीने ही कुर्क की गई, वो आपके स्क्रीन पर। वो कंपनियां हैं अकिंशान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलयातन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। यही नहीं दोस्तों, जब इनकी संपत्ति कुर्क की गई थी एक महीने पहले, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी थी। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने आपकी स्क्रीन पर, एनडीटीवी की खबर है, अरविंद केजरीवाल प्रिडिक्टेड मिनिस्टर सत्येंद्र जैन अरेस्ट इन जनवरी। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जनवरी प्रिडिक्शन अबाउट द इमिनेंट अरेस्ट ऑफ हिज हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन केम ट्रू ऑन मंडे। मिनिस्टर सत्येंद्र जैन वॉज अरेस्टेड दिस इवनिंग बाय ईडी इन अलेजेड मनी लॉन्ड्रिंग केस। दोस्तों, सीबीआई और ईडी जिस तरह से सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस मामले में केस बना रहा है वो बहुत गंभीर है। इससे पहले सीबीआई का यह दावा था कि इन 4 कंपनियों को किस तरह से शेल कंपनियों के जरिए पैसा मिला, इस पर सत्येंद्र जैन कोई जवाब ठीक से नहीं दे पाए। सीबीआई और क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। सीबीआई का यह भी कहना है और जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि जो फंड वहां से अर्जित किए गए थे इन तमाम कंपनीज से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, उसके जरिए करीब 200 बीघा जमीन खरीदी गई थी। और वो 200 बीघा जमीन कहां कहां खरीदी गई थी वो मैं आपको बतला रहा हूं। द फंड्स वर अलेजेडली यूज टू परचेज 200 बीघाज ऑफ लैंड इन ओचंडी, बवाना, कराला एंड मोहम्मद माजवी विलेजेस इन दिल्ली बिटवीन 2010 एंड 2016। अखबार की एक कतरन कहती है कि 2010 से 2016 के बीच ओचंडी, बवाना, कराला और मोहम्मद माजवी गांव में 200 बीघा जमीन खरीदी गई थी। सीबीआई यह भी कह रही है कि 2010 से 2012 के बीच करीब 11.78 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग सत्येंद्र जैन और उनके परिवार ने की है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपके सामने कुछ नाम रखे थे। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि ईडी कभी भी ना भाजपा के किसी नेता ना भाजपा से जुड़ी किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई भी केस करती है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, आपके स्क्रीन पर यह पूजा सिंघल है, इनको ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से करोड़ों रुपए मिला था, 19 करोड़ रुपए दोस्तों। अब खबर यह आ रही है कि उनके पति जो हैं वो सरकारी गवाह बन गए हैं। पूजा सिंघल भी सरकारी गवाह बनने वाली हैं या बन जाएंगी, झारखंड की पृष्ठभूमि है। बताया यह जा रहा है कि निशाना पूजा सिंघल नहीं है, निशाना है हेमंत सोरेन सरकार, जिस सरकार में पूजा सिंघल माइनिंग सेक्रेटरी थी। और ऐसा नहीं है कि पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार की दास्तान सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार में, नहीं 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 नहीं, जब रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे तब पूजा सिंघल का मामला या नाम मनरेगा घोटाला से जुड़ा था। अब बड़ा सवाल, क्या ईडी रघुवर दास से पूछताछ करेगी? क्या मनरेगा घोटाले की हकीकत सामने आएगी? मैं आज आपको एक बात दावे से कह सकता हूं, और मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा, अगले छह महीने में या तो हेमंत सोरेन सरकार को गिराने का प्रयास किया जाएगा या उन पर ऐसा दबाव बनाया जाएगा कि वो पाला ही बदल लें। और यहां पर ईडी का यानी प्रवर्तन निदेशालय का सदुपयोग किया जा रहा है एक आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के जरिए जो इस वक्त उनके हिरासत में है। इस कार्यक्रम का मकसद यही था दोस्तों कि सरकारी जांच एजेंसीज का आज की तारीख में कोई काम नहीं रह गया है। उनका काम सिर्फ इतना है कि विपक्ष पर टारगेट करो, उनकी सरकारों को गिराओ, उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर लो कि वो काम ना कर सकें। और ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं बाकायदा तथ्यों के आधार पर फैक्ट्स रखकर आपके सामने रखी हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार इस बात का जवाब जरूर देगी। नमस्कार।